पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते हैं। देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ एआईएमआईएम के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी, आज हम पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है उस उद्देश्य को लेकर के, जन भावनाओं को समझते हुए, सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है उनके विरोध में, आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा दलित मुसलमान की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछला दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट एक एक कंफ्यूजन को किनारे करते हुए, आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पहले बोल लेने दीजिए, पहले हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का आ जाने, हमको कर लेने दीजिए। नहीं, पहले हमारे सारे अध्यक्ष एक बारी बारी अपना कर लेने, फिर भी इनकी भी हम चाहेंगे प्लीज जनाब। बस नहीं 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 प्लीज, दो दिन मिलता ही है, हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। ठीक नहीं लेते हैं जनाब असद साहब, बिना बहुत ही आदर के साथ जनाब अजस। जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं, और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, अपना दल को मेरा जी, श्री प्रेमचंद मौर्य जी, प्रेमचंद बिंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, आज हम लोगों के बीच में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माता जी कृष्णा पटेल जी हैं, और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहन पल्लवी पटेल जी हैं, और श्री बाबू रामपाल जी हैं राष्ट्रोदय पार्टी के। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा का ऐलान कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आप लोग जानते ही हैं कि भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों के साथ ही साथ दलितों और मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में बड़े बड़े दल इस्तेमाल करते हैं।
इनको सम्मान नहीं देना चाहते, भागीदारी नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए, और इसके साथ ही साथ जो आज पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोटा खाली रखा गया है, कहा जाता है कि योग्यता अभ्यर्थी नहीं है, यह इनके साथ बेईमानी होती है, इनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में के आज युवा बेरोजगार हैं, यह पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री मिल लगा करके युवाओं को रोजगार देगा, और जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करेगा, और गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, गरीबों के लिए निःशुल्क बिजली पानी।